हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के एक फेस की जिसका नाम है लेक्सिकल एनालाइजर। बेसिकली हमारे पास कंपाइलर में 6 फेजेस अवेलेबल होते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेटर, जिससे हमें टारगेट प्रोग्राम मिल जाता है। और ये सारे ही फेजेस जो है अटैच रहते हैं सिंबल टेबल मैनेजर से एंड एरर हैंडलर से। तो ये सारे जनरल इंट्रोडक्शन तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था, अब हम एक एक करके इनके फेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फेज़ हमारे पास अवेलेबल है वो है लेक्सिकल एनालाइजर। तो बेसिकली करता क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है वैलिड वर्ड्स को जो कि हमारे सोर्स प्रोग्राम, ये देखिए जो यहाँ से आ रहे हैं, उन सोर्स प्रोग्राम में से जो भी वैलिड वर्ड है उन्हें आइडेंटिफाई करता है। बट एक बड़ा चैलेंज ये भी है हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग होती है। क्यों डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग होती है सोर्स कोड में? क्योंकि हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो अलग अलग यूज़र हैं, ठीक है, और वो एक सारे यूज़र जो हैं, अलग अलग यूज़र जो हैं वो एक सिंगल कंपाइलर पर काम करने वाले हैं, और उस कंपाइलर का फर्स्ट फेज हमारे पास ही अवेलेबल है। तो सपोज़ एक यूज़र जो है वो हर एक वर्ड लिखने के बाद एक टैब प्रेस करता है, एक यूज़र की फॉर्मेटिंग ऐसी है कि वो हर एक सेंटेंस लिखने के बाद एंटर प्रेस करता है। तो ऐसी अलग अलग फॉर्मेटिंग के यूज़र पर डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड जो है या हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे बनने वाला है। सो एक प्रोग्रामर होने के नाते हमें ये फॉलो करना चाहिए कि हम सभी सेम इंडेंटेशन का यूज़ करें और इस तरह के अलग अलग फॉर्मेटिंग ना दें। बट हमारे पास फिर भी इस तरह की अलग अलग फॉर्मेटिंग को हैंडल करने के लिए हमने इस कंपाइलर के फर्स्ट फेज को बनाया है जिसका नाम लेक्सिकल एनालाइजर है, और इसीलिए इस फेज का यूज़ किया जाता है। इस फेज में हम टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर टोकन्स को जनरेट करवाते हैं लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू, और इस डायरेक्शन में कुछ लेक्सिकल एरर्स भी आती हैं। इस फेज में हमारे पास कुछ लेक्सिकल एरर्स भी आएगी जिनकी हम आगे बात करेंगे, जैसे कि वर्ड का स्पेल मिसमैच होना। जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं इफ़, तो उसकी वो कीवर्ड है, वो है if, जो पहले से पता होगा हमारे टोकन को, बट हमने उसकी जगह fi लिख दिया। तो इस टाइप के एरर्स को हम कैसे हैंडल करें वो भी हमारे पास लेक्सिकल एरर्स में चेक होगा। तो इन टाइप्स के एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए लेक्सिकल एनालाइजर के पास कुछ टूल्स है, और यह टूल्स नेक्स्ट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कौन सा कीवर्ड होगा और एक्यूरेट कीवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जांपल, अगर हमने को फॉर लिखना है तो हम एफ आर ओ लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली एफ ओ आर कर देता है फॉर में कन्वर्ट। और ऐसे ही कुछ एरर रिकवरी स्कीम भी है हमारे पास कुछ कुछ सिचुएशंस के लिए, तो वो सब हम अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल है, स्पेसिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन, ये दो फेज है। स्पेसिफिकेशन फेज में हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं उन टोकन्स के लिए जो कि डिफाइन है, और रिकॉग्निशन फेज में एक्चुअली में लेक्सिकल एनालाइजर टूल है जो कि इनपुट प्रोग्राम को स्कैन करता है और ये पता करता है कि कौन कौन से टोकन्स अपीयर हो रहे हैं प्रोग्राम में और कौन कौन से वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं प्रोग्राम में। तो दो लेक्सिकल एनालाइजर में खुद में दो फेजेस हैं हमारे पास। पहला है स्पेसिफिकेशन, जिसके थ्रू हमने ये पता कर लिया है कि सेट ऑफ रूल्स फेज में हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं उन टोकन्स के लिए जो कि डिफाइंड है, मतलब पहले से, जैसे इफ फॉर इन सब के लिए सेट ऑफ रूल्स हमने बना लिए। और रिकॉग्निशन फेज जो है वो एक्चुअल में लेक्सिकल एनालाइजर फेज खुद ही है या लेक्सिकल एनालाइजर टूल है जो कि हमको जो इनपुट प्रोग्राम है, जो सोर्स कोड आ रहा है, उसमें हम ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से टोकन्स हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब टोकन्स क्या होता है ये हम अभी बात करेंगे। और इस जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है तो इस रिकॉग्निशन पार्ट में जो टूल यूज हुआ है वो कहलाता है फाइनाइट ऑटोमेटा एफ ए। स्पेसिफिकेशन के बाद जो रिकॉग्निशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो टूल यूज हुआ है उसका नाम फाइनाइट ऑटोमेटा है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एनएफए और डीएफए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे, और दोनों का ही इक्वल पावर होता है, बस इनकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कम होती है कंपेयर टू डीएफए, बट डीएफए को समझना आसान होता है एनएफए के कंपैरिजन में, और एनएफए में टोकन्स का रिप्रेजेंटेशन कॉम्पैक्ट होता है। इसके बाद भी हम जिस टूल की बात कर रहे हैं जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम है लैक्स। तो
अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हम लेक्सिकल एनालाइजर के लिए जो टूल पढ़ेंगे वो है लेक्स, जो कि रिकॉग्निशन ऑफ टोकन रहेगा, और बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है, हमारे पास टूल अवेलेबल है, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर, पार्सर मतलब ये सिंटैक्स एनालाइजर, जो कि कंपाइलर का नेक्स्ट फेज है, ये हमारा सिंटैक्स एनालाइजर, दोनों ही सिंबल टेबल का के डेटा स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हैं। और सिंबल टेबल बेसिकली सारे आइडेंटिफायर, देखिए सिंबल टेबल्स कहाँ ऐड है, ये सारे फेज से ऐड है, ठीक है। तो जब सिंबल टेबल का कंस्ट्रक्शन होता है तो ये दोनों फेज हेल्प करते हैं, और बाकी सारे फेजेस जो हैं वो सिंबल टेबल के का यूज़ करते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए हैं हमने, ठीक है। तो जो सिंबल टेबल बेसिकली सारे आइडेंटिफायर्स को स्टोर करती है जो कि प्रोग्राम्स में यूज़ हुए हैं, और जैसे ही लेक्सिकल एनालाइजर को नया आइडेंटिफायर मिलता है वह सिंबल टेबल को इन्फॉर्म कर देता है और उसमें उस नए आइडेंटिफायर को स्टोर कर देता है। तो ये यहाँ पर हमारा ये सारा प्रोसेस इन दोनों फेज से चलता रहता है। और पार्सर को जब नेक्स्ट सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है तो वह सिंबल टेबल से ही रेफर करता है कि अब हमारा नेक्स्ट सिंबल कौन है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि हमने सच में एफ कोई वेरिएबल डिफाइन किया है या फंक्शन डिफाइन किया है, या फिर हम इफ लिखना चाहते हैं बट उसकी जगह हमने एफ आई लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारा पता हम किससे कर लेते हैं, हमारे सिंबल टेबल से। अब हमने मैंने इस पूरे डिस्क्रिप्शन के ड्यूरेशन में तीन टर्म्स बताई है आपको, टोकन्स, पैटर्न्स और लेक्सिम्स। तो ये तीनों टर्म क्या होती है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम जरा। टोकन बेसिकली एक पेयर है नेम और वैल्यू का, हर टोकन का कुछ नाम होगा और उसकी कुछ वैल्यू होगी। अब अगर एक सिंगल वैल्यू की जगह पैटर्न हो तो वो लेक्सिम्स ऑफ टोकन कहलाता है। जैसे देखिए एक सिंगल वैल्यू रिलेशन क्या है हमारा, एक टोकन है, ये टेबल में देख सकते हैं। और टोकन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सब, लेटर फॉलोड बाय लेटर एंड डिजिट्स, और ये सब का कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, लेक्सिम्स है, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि हर टोकन का कुछ नाम होगा और उसकी कुछ वैल्यू होगी। अब अगर एक सिंगल वैल्यू की जगह पैटर्न हो तो वो लेक्सिम्स ऑफ टोकन कहलाएगा। लेक्सिम्स मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिकली लेक्सिम्स एक इनपुट स्ट्रिंग है जो कि इनपुट फाइल से रीड की जाती है, और हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं उस प्रोग्राम के लिए जो कि वैलिड होते हैं, ठीक है। तो टोकन्स आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सब हो सकते हैं। पैटर्न्स सेट ऑफ स्ट्रिंग इन द इनपुट फॉर विच द सेम टोकन इज प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट, और लेक्सिम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम दैट इज मैच्ड बाय द पैटर्न ऑफ द टोकन, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन जो था हमारा लेक्सिकल एनालाइजर का था। लेक्सिकल एनालाइजर में हमने टूल्स की भी बात कर ली, रिकॉग्निशन ऑफ टोकन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स की भी बात कर ली, और सिंबल टेबल के साथ ये कैसे काम करता है, और फिर हमारे पास तीन टर्म आई थी उसके डिस्क्रिप्शन के टाइम, टोकन्स, पैटर्न्स एंड लेक्सिम्स, तो उन पर बात कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्सिकल एरर्स जो कि हमने ड्यूरिंग लेक्चर बात करी थी उनकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। Thank you.